सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। आज का पंचांग 3 जुलाई 2022 दिन शनिवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 3 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र दोपहर 12:13 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:16 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर दोपहर 12:13 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 3 जुलाई 2022 दिन शनिवार, आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी लेकिन चिंता न करें, सब अच्छी खबरें ही होगी। जिन कई चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वे आज पूरी होने वाली है। जिन कोशिशों का आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे वे अनंतः आज सफल होगी, इसलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कुछ अच्छी खबर हो। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों के लिए निकालें, इससे मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। रिश्तेदारों और मित्रों के साथ फोन या इंटरनेट के माध्यम से मेल मिलाप सुकून देगा। विद्यार्थी और युवा वर्ग को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दुविधा होगी। अटके पैसे प्राप्त होने से बड़ी समस्या दूर होती हुई नजर आ रही है। निवेश के कारण तुरंत फायदा प्राप्त नहीं होगा लेकिन भविष्य में आर्थिक स्तर पर आपको सुरक्षित महसूस होगा। प्रॉपर्टी संबंधित लेन देन के व्यवहार आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। नौकरी में बदलाव की इच्छा जिन लोगों की है परिचित व्यक्ति से अवसर प्राप्त हो सकता है। पार्टनर के लिए चिंता महसूस होगी, अपनी चिंता को उनके सामने जाहिर करने की कोशिश करें। कोई इन्फेक्शन होने की संभावना बन रही है, सेहत का ध्यान रखना भी होगा। सावधानियां, अत्यधिक खर्चों की वजह से आर्थिक दिक्कत रह सकती है, थोड़े सूझबूझ से काम लें। ध्यान रखें कि क्रोध में आकर आपको कोई बना बनाया काम खराब भी हो सकता है। किसी पारिवारिक सदस्य की वजह से आपके अपने काम भी रुक सकते हैं, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। प्रेम प्रसंगों में गलतफहमी की वजह से निराशा हो सकती है। आज आप प्रेम से ओतप्रोत होना चाहते हैं और आज के दिन आपने अपने साथी के साथ साझा करने के लिए योजना बनाई है लेकिन अन्य प्रतिबद्धताओं के चलते आज आप रोमांस और प्यार से दूर रह सकते हैं। समय के अभाव के कारण आपको प्रेम प्रसंगों से दूर होना पड़ सकता है लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बड़ा ना कर पाए तो कुछ लघु व प्यार से ओतप्रोत कुछ प्रेम से भरी वस्तु या अपना त्वरित प्रेम अपने साथी को आप दिखा जरूर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपके खिलाफ की गई हुई। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपके खिलाफ की गई हुई। कुछ कार्यवाही करने के कारण प्रभावित हो रही है। आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें, यह जल्दी ही अपने पक्ष में होगा। व्यवसाय में किसी भी तरह की डील करते समय उससे संबंधित उचित जानकारी लेना जरूरी है। अपने व्यवहारिक हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें वरना टैक्स से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। सरकारी कार्यों में सफलता भी मिलेगी। बात करते हैं सेहत की।
एलर्जी और पेट से संबंधित दिक्कत रह सकती है, ध्यान रखें। आपके आसपास कोई आज बीमार अनुभव भी कर रहा है, आपको उसकी काफी देखभाल करनी पड़ सकती है, लेकिन चिंता ना करें, आपके उसकी मदद करने से आपका भी कुछ अच्छा ही होगा। आपको आज छोटे मोटे संक्रमणों से सावधान रहना होगा। आपके लिए अपनी खुद की या किसी करीबी की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में महंगा साबित हो सकता है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, काली तिल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।